अब देखो यार, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को तो हम काफी दिनों से यूज करते हैं और इनकी सब सर्विसेज का हमें पता होता है कहां से कौन सी सर्विसेज कैसे काम करती हैं। ऐसे में ही अगर मार्केट के अंदर एक नया ऐप धूम मचा दे और उसके अंदर इससे भी ज्यादा सर्विसेज हो और उसकी अच्छी बात यह हो कि उसके अंदर एक अकाउंट ओपन भी होता हो और उसके अंदर आपको एक डेबिट कार्ड भी बिल्कुल फ्री में मिलता हो तो कितना अच्छा रहेगा। जियो ने ये काम को अंजाम कर दिखाया है। जियो रिलायंस की तरफ से जियो फाइनेंस ऐप आ चुका है। इसके अंदर आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी सर्विसेज का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप एक बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री मिलेगा और एक फिजिकल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री मिलेगा बाय पोस्ट आपके घर पर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप जियो फाइनेंस ऐप को यूज़ कर पाएंगे और कौन कौन सी सर्विसेज का इसके अंदर आपको लाभ मिलेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में पूरे विस्तार से। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जियो फाइनेंस ऐप के अंदर आप एक सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं और कैसे आप फ्री में डेबिट कार्ड ले सकते हैं। ये है जियो फाइनेंस ऐप जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जियो फाइनेंस ऐप जो है अभी बीटा वर्जन में आपको मिलेगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप चाहो तो ऊपर की साइड से स्किप कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसके अंदर लॉगिन करना चाहो तो लॉगिन भी कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जियो फाइनेंस ऐप के अंदर आपको ज़रूरी नहीं कि आपके पास जियो का ही नंबर हो, कोई भी इस कंपनी का आपके पास नंबर हो आप इसको यूज़ कर पाएंगे गूगल पे, फोन पे की तरह। आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर आप डाल देंगे, ये यहाँ से आप अलाउ करेंगे, ओटीपी ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने अपने फ़ोन के अंदर लॉक लगा रखा है तो यहाँ से आप लॉक भी एक्टिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लॉक एक्टिवेट करना चाहो एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, अपना फिंगरप्रिंट दे देंगे और आपका लॉक एक्टिवेट हो जाएगा। बेल नोटिफिकेशन की परमिशन देना चाहो अलाउ कर सकते हो। अब देखो, जियो फाइनेंस ऐप के अंदर आप एंटर कर चुके हैं, यहाँ पर आपको सारी सर्विसेज दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी सर्विसेज हैं, अभी आपको ऊपर जो दिख रहा है मैं आपको डिटेल्स में यहीं से बताता चलूं। यहाँ पर स्कैन एंड पे यूपीआई क्यूआर कोड, जिस तरीके से गूगल पे, फोन पे से हम किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड पे पेमेंट करते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके, इसी तरीके से हम पहले नंबर का जो ऑप्शन मिल रहा इस पे स्कैन करके हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा आपको ऑप्शन मिल रहा है यूपीआई नंबर का, जिस तरीके से यूपीआई आईडी पे हम गूगल पे, फोन पे से पैसा डालते हैं इसी तरीके से इससे डाल सकते हैं। किसी का बिल पेमेंट करना है यहाँ से कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज करना है इससे कर सकते हैं, और माई मनी यानी आप यहाँ से मनी वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट का मिलता है, ये जो है ना ये जियो का पेमेंट्स बैंक अकाउंट है, यानी जियो के अंदर जो डिजिटल सेविंग अकाउंट आप ओपन करेंगे उसका है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। इंश्योरेंस आप यहाँ से कर सकते हैं, शेयर फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो और भी बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं। यहाँ से आप अपना चेक बैलेंस भी कर सकते हैं, ये देख सकते हो, और यूपीआई पासबुक, ये सबसे अच्छा फीचर मुझे इसका लगता है, यूपीआई पासबुक, यानी यूपीआई से जो आप ट्रांजेक्शन करोगे ना उसका पासबुक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उसका स्टेटमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो देख सकते हो बैंक ट्रांसफर, सेल्फ ट्रांसफर, रिवार्ड्स, माई पासबुक, ठीक है, यानी कि बैंक, अगर आप किसी के अकाउंट नंबर में पैसा डालना चाहें तो यहाँ पर आप अकाउंट नंबर लगा के बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं सीधा ही डायरेक्टली, और अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो आप सेल्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ से रिवार्ड्स ले सकते हैं अगर आपको कोई रिवार्ड मिलता है। जैसे कि यहाँ पर अगर जियो का पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन करोगे तो आपको महीने में 200 रुपये का रिवार्ड्स मिलेगा, तो वो यहाँ पर आपको मिलेगा। और अब अगर आप अपना पासबुक चेक करना चाहें तो पासबुक भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप सेंड मनी, ऐड मनी, बैंक पासबुक, तो ये सारी चीज़ें आपको यहां पर मिलेंगी। फास्टैग रिचार्ज, इलेक्ट्रॉनिक बिल और डीटीएच रिचार्ज, तो ये यहां पे आपको मिल रहे हैं। यहां पे दूसरा नंबर का बैंक का ऑप्शन है, बैंक अगर आप इसके अंदर अकाउंट ओपन करना चाहोगे तो दो तीन तरह के अकाउंट आप यहाँ पर ओपन कर पाएंगे। बैंक अकाउंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। उसके बाद बिल का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप सारे बिल पे कर पाएंगे, जैसे मोबाइल का बिल, ये फाइबर का और डीटीएच का, केबल का, फास्टैग का, जैसा भी बिल आप यहाँ से भरना चाहे, बुक
एलपीजी बुक करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक बिल भरना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड बिल भरना चाहते हो, रीपेमेंट करना चाहते हो, लोन रीपेमेंट, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस करना चाहते हो, हेल्थ इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस और भी जो भी इंश्योरेंस आपको करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। लोन, और इसके अंदर आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर आप कोई लोन लेना चाहें तो आप यहाँ से लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है अभी ये कमिंग सोन है, यानी ये ऑप्शन अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अभी सबको लोन नहीं मिल रहा है। ठीक है, समझ गए। तो ये जो ऐप है ना भाई, मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से धूम मचाने वाला है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है उसके अंदर तो RBI ने रोक लगा रखी है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जियो रिलायंस ने अपना बैंक अकाउंट भी इसके अंदर लॉन्च किए हैं। और ये बैंक अकाउंट की खास बात ये है, मैं आपको यहाँ पे जैसे जाके दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको इसके अंदर एक डेबिट कार्ड भी मिलेगा, वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा, और फिजिकल भी मिलेगा बाय पोस्ट आपके घर पे, उसका भी आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आप फ्री में एक बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे। और बैंक अकाउंट तो आप इसके अंदर ओपन करना ही ज़रूर से, ठीक है। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट को ओपन करने का जो प्रोसेस है ना वो मैं अगले वीडियो में ही आपको बताने वाला हूँ, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना, अगले वीडियो का आप इंतज़ार करो, और अगला वीडियो आपको कल मिलेगा। तो अभी इस वीडियो को जो है ना आप लाइक कर दो। चलो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे किस तरीके से जियो फाइनेंस ऐप के अंदर क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की है। आप भी अपना एक्सपीरियंस और अपना फीडबैक मुझे कमेंट में बताइए कि आपको जियो फाइनेंस ऐप कैसा लगा। वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐप आते रहते हैं, लेकिन यार हम जियो पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसलिए कि जियो ने हमें जियो का रिलायंस जियो सिम दिया, और जियो के और भी प्रोडक्ट्स जो आते हैं वो मतलब सक्सेसफुली रहते हैं, जियो अच्छे से काम करते हैं। चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अकाउंट कैसे ओपन करना है जियो फाइनेंस ऐप के अंदर। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।